राजकुमार राव की फिल्म न्यूटन इस बार के एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर पुरस्कारों के लिए दुनिया भर की चुनिंदा फिल्मों से मुकाबला करेंगी। इस फिल्म में नक्सली प्रभावित इलाकों में सामान्य स्थिति लाने के प्रयास दिखाए गए हैं। फिल्म के लीड एक्टर राजकुमार राव हैं। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने न्यूटन को ऑस्कर के विदेशी सिनेमा खंड में भारत की आधिकारिक फिल्म के तौर पर चुन लिया है। लॉस एंजलिस के डाल्बी थिएटर में 4 मार्च 2018 को 90वें ऑस्कर पुरस्कार बांटे जाएंगे। आज रिलीज हुई अमित मसूरकर निर्देशित इस फिल्म को खासी तारीफें मिल रही हैं। फिल्म फेडरेशन के सामने इस साल ऑस्कर के विदेशी सिनेमा सेक्शन के लिए 26 फिल्मों के नाम आए थे, लेकिन न्यूटन को लेकर सबकी सहमति रही। इस फिल्म की कहानी एक आदर्शवादी युवक की है जिसका नाम नूतन है, लेकिन उसने अपना नाम न्यूटन रख लिया था। चुनाव के दौरान उसकी ड्यूटी छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में लगती है जो नक्सलवाद से जूझ रहा है। अमिताभ बच्चन ने भी इस फिल्म को देखने के बाद इसे आई ओपनर कहकर तारीफ की है।